ओम श्री काल भैरवाय नमः। भगवान शिव के पांचवें रुद्र अवतार हैं भगवान काल भैरव जी। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो हर बार भगवान भैरवनाथ जी के भंडारे लोगों के घर घर तक पहुंचाते हैं, उनकी सूचना पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं आपके पूरे मीडिया का धन्यवादी हूं। आज श्री काल भैरव अष्टमी है, होई माता अष्टमी है और पुष्प नक्षत्र योग है। उसके उपलक्ष्य पे आज श्री काल भैरव मंदिर में प्रातः पूजा अर्चना की गई, उसके बाद हवन किया गया, कन्या पूजन की गई, ब्राह्मण पूजन किया गया, फिर भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारा अभी चल रहा है, भगवान काल भैरव जी की कृपा सब पर बनी रहे और हमारे जम्मू कश्मीर में हमेशा शांति बनी रहे, इस उपलक्ष्य पर यहाँ पे पूजा अर्चना हम हर रोज़ करते हैं। आज का मेन विषय एक तो ये था, दूसरा मंदिर के जितने सेवादार हैं उनको आज बुलाया गया है, क्योंकि आने वाले नवंबर में जो हमारा वार्षिक विशाल भंडारा होता है जो कि पूरा जम्मू जानता है कि भैरव मंदिर में बहुत ही विशाल भव्य भंडारा लगता है, तो उसके बारे में इनको सभी को ड्यूटीज़ सौंपनी थी, वो ड्यूटीज़ आज इनको दी गई हैं प्रातः। तो उसी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि लोगों के घर तक ये मैसेज पहुंच जाए। कौन सी तिथि को ये वार्षिक भंडारा, ये 17 नवंबर से यहाँ पे प्रोग्राम्स शुरू हो जाएंगे, 24 नवंबर तक चलेंगे, जिसमें बाइकर्स रैली होगी, जागरण होगा, ब्राह्मण पूजन होगा, प्रभात फेरी का भी प्रोग्राम बना हुआ है इस बार, और उसके बाद मेल होगी, 52 बिरादरियों की यहाँ पे मेल लगती है, दूर दूर से लोग इस मेल में हिस्सा लेते हैं जिनके ये कुल देवता हैं, और जिनको भी कोई ग्रह पीड़ित करता है तो वो 23 नवंबर को आके उस दिन काल भैरव जी जयंती है, उस दिन यहाँ आकर दीपक जगाते हैं और भगवान काल भैरव जी से मन की मुराद पूरी करवाते हैं। वो उस दिन रात्रि 23 नवंबर को जब रात्रि को पूजा होगी उसमें जो काल भैरव जी का हुक्म होगा उस हुक्म से हम आगे फिर जनता को बताते हैं कि ये दंड फंडा उस दिन का भगवान काल भैरव जी ने नियोजित किया हुआ है। इस जयंती में कुछ विशेष भी इस बार हो रहे हैं? हर साल की तरह इस साल भी वैसे ही बाहर से फूल वाले आ रहे हैं, डेकोरेशन वाले आ रहे हैं। इस बार बैंड बाजा जो है वो पुलिस बैंड, आर्मी बैंड और एक बैंड बाहर से भी आ रहा है, आतिशबाजी होगी, बहुत सी सेलिब्रेशंस होंगी, भव्य प्रोग्राम किया, अपने से प्रोग्राम हमने ये रखा कि इसको और बड़ा करें। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं अपने मंदिर के जितने भी मेरे सेवादार हैं मैं उनका बहुत अभागी हूँ, आभार करता हूँ उनका प्रकट,